सो so, ये दोनों कंपनीज को मैं इकट्ठा लिया बिकॉज ये दोनों सेम स्पेस में है एंड देर इज अ सर्टन डिस्टिंक्शन बिटवीन द बिटवीन बिटवीन द वे इन विच दीज टू कंपनीज आर देयर इन दिस कंट्री तो जैसे आप ब्रिटानिया को देखोगे राइट ब्रिटानिया एक ऐसा बिजनेस है जो हमारे कंट्री में हर जगह फैल चुका है ठीक है और दूसरी तरफ आप देखोगे मिसेज बेक्टर एक ऐसा बिजनेस है जो नॉर्थ इंडिया से चालू हुआ था और अभी धीरे धीरे करके पूरा पैन इंडिया ऑपरेशन बना रहा है ठीक है मतलब उन्होंने अपना वो अपना अभी धीरे धीरे करके वेस्टर्न मार्केट्स और साउदर्न मार्केट्स में एंट्री भी ले लिया है ठीक है तो दोनों के बारे में थोड़ा जानने से मतलब में जानने से से पहले पहले मतलब डिटेल में लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड दिस राइट कि स्टॉक मार्केट में अगर आप देखोगे स्टॉक मार्केट में पैसा चेस करता है ग्रोथ में मतलब ग्रोथ के पीछे राइट right? तो सोचिए ग्रोथ किस बिजनेस पे आता है ग्रोथ क्या उस बिजनेस पे आएगा जो कि आज पूरा कंट्री में फैल गया है और से फॉर एग्जाम्पल सेल्स ग्रोथ हो नहीं रहा है वॉल्यूम ग्रोथ हो नहीं रहा है और कंपनी सिर्फ कॉस्ट कंट्रोल का बात करता है और डिविडेंड देता है राइट ऐसे स्टॉक्स बहुत पैसा नहीं बनाता है शेयर होल्डर्स को शेयर होल्डर्स को वो कंपनी पैसे बनाते हैं जिसका बहुत तगड़ा ग्रोथ है राइट और ग्रो वही कंपनी करेगा ना जो लेट से जैसे मैंने बताया कि एक जगह से चालू होगा हमारे देश में और पैन इंडिया स्केल कर रहा है राइट कोई नॉर्थ से चालू होकर पूरा पैन इंडिया बन रहा है कोई साउथ से चालू हो रहा है कोई ईस्ट से चालू हो रहा है राइट प्रोडक्ट्स कैन बी डिफरेंट राइट कोई बिस्किट बेच रहा है कोई ज्वेलरी कंपनी है कोई से फॉर एग्जांपल <coughs> कोई से फॉर एग्जांपल कोई अपैरल कंपनीज हो या कोई या कोई हाइपर मार्केट हो मैटर नहीं करता है कि प्रोडक्ट क्या है आपको यह देखना पड़ेगा कि क्या वो कंपनी स्केल कर पा रही है कि नहीं एंड ऑफ कोर्स इफ दे इफ दे कैन स्केल विथ अ ब्रांड ठीक है अगर उनके पास एक ब्रांड होता है इट बिकम्स ईजियर फॉर देम टू स्केल करेक्ट तो उससे क्या होता है ना आपके कंपनी को ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिलता है एज यू एज यू स्केल अक्रॉस द कंट्री ठीक है तो यही पॉइंट को दिमाग में रखते हुए लेट्स डू ब्रिटानिया एंड मिसेस बेक्टर ठीक है तो पहले हम चलो बात करते हैं ब्रिटानिया का तो ब्रिटानिया का कुछ नहीं है ब्रिटानिया का जैसे Q3 में अगर उसका नंबर्स देखोगे तो उनका सेल्स का नंबर एकदम फ्लैट है और अगर आप कॉन कॉल पढ़ोगे तो मैनेजमेंट बार बार यही चीज बताता रहता है कि उनका कॉस्ट कंट्रोल के लिए वो क्या क्या कर रहा है एंड से फॉर एग्जाम्पल वो कैसे जाके अपना प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाएगा सो ऑन एंड सो फोर्थ ठीक है ब्रिटानिया कोई ग्रोथ का गाइडेंस दे भी नहीं सकता है राइट right? बिकॉज और देता भी नहीं है क्योंकि कैसे देगा राइट right? अभी अभी अगर आप देखोगे ब्रिटानिया का अगर वॉल्यूम ग्रोथ देखोगे बिकॉज देखिए

बिस्किट का बिस्किट का प्रोडक्ट बिक रहा है आप उसी में से ही एक बिस्किट चुनोगे है ना आप उसी में से एक चिप्स खाओगे सो एफ एम सी जी प्रोडक्ट्स मेनली गेम होता है आपका डिस्ट्रीब्यूशन का गेम है ठीक है तो ब्रिटानिया सिंस हर जगह फैल चुका है स्टिल दे टॉक अबाउट यू नो रूरल पेनिट्रेशन एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ लेकिन आज अगर मैंने ब्रिटानिया का बात करूँ तो ब्रिटानिया का आसपास कुछ ट्वेंटी एट लैक आउटलेट्स में है <coughs> 28 लाख आउटलेट्स अक्रॉस द कंट्री इज अ ह्यूज डील राइट अब ये आउटलेट का पेस ऑफ ग्रोथ तो कैन नॉट बी 20% परसेंट ना तो यही वाला इशू बनता है बात दूसरा है कि लिए ब्रिटेनिया का कहना है कि उनका जो इतना सबड्यूड रिजल्ट आया है पार्शियली बिकॉज़ ऑफ द फैट के लिए प्राइवेट कंजम्पशन हैज कम डाउन फ्रॉम लास्ट ईयर ठीक है और बट मैनेजमेंट का ये भी कहना है कि गोइंग फॉरवर्ड सिंस हमारे देश में मैन्युफैक्चरिंग में इतना काम हो रहा है सिंस इतना इन्वेस्टमेंट हो रहा है सब कुछ सही है तो प्राइवेट कंजम्पशन विल ऑल्सो कम बैक राइट लेकिन एज आई एज आई टोल्ड यू ब्रिटानिया का मेन प्रॉब्लम क्या है कि उनको उनको अपना डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ा नहीं पाएगा एट अ फास्ट पेस ये नहीं बोला कि डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ा नहीं पाएगा डिस्ट्रीब्यूशन विल कीप ग्रोइंग अप राइट नया नया गाँव में जाता ही रहेगा राइट बिकॉज लेकिन द प्रॉब्लम इज द पेस

पे, इस, इस तरह का एक नंबर पे है राइट लेकिन ब्रिटानिया अभी 27 सेवन लैक्स में है वो 27 से 54 थोड़ी वो दो साल में कर पाएगा अगर करा भी तो शायद उसको आठ दस साल लग जाए है ना तो यही वाला पॉइंट होता है कि जब आपका बेस छोटा होता है जब आप कंट्री के कोई एक पार्ट में रहते हो तो उस उसमें आपको स्केल करने में आसानी होता है जैसे मैंने बताया बेक्टर अभी नॉर्थ से लेके अभी वो वेस्टर्न मार्केट्स और साउदर्न मार्केट्स में एंट्री मार रहे ईस्ट में तो अभी तक उतना कुछ गया भी नहीं दे जस्ट अबाउट गेटिंग इन टू एक वेयर हाउस खोलने का बात कर रहा था बट अभी में उनका कोई प्रेजेंस ही नहीं राइट एंड राइट्रेट्योर के पूरे कंट्री में एक दिन आपको बेक्टर का क्रिमिका दिखने को मिलेगा और उसी दिन आपको पता कि बेक्टर का ग्रोथ खत्म सो सो ऐसे करके भी आप देख सकते हो अब थोड़ा रिजल्ट्स का बात करते हैं रिजल्ट में आप देखोगे कि बेक्टर का सेल्स का ग्रोथ है 17 परसेंट ऑन अयो वाई बेसिस एंड मैनेजमेंट हमेशा उनको यही बोलता है कि लाइक कि हम लोग और बाय द वे ये जो 17 परसेंट का ग्रोथ का मैं बात कर रहा हूं ये पूरा बिस्किट और बेकरी को लेकर बात कर रहा हो ओवरऑल सेल्स ग्रोथ ठीक है और जैसे मैंने बताया ब्रिटानिया में भी बेक्टर में भी यही यही लॉजिक है कि यहां का जो पूरा जो सेल्स ग्रोथ आता है यह भी वॉल्यूम लेड होता है बिकॉज बिस्किट बिस्किट में ना आप ऐसे प्राइसेस को बढ़ा नहीं सकते हो और यहां पर क्या होता है कि इन अ लो इन्फ्लेशन एनवायरमेंट आप देखो आगे, आगे, आप देखोगे ऐसे बहुत लोकल प्लेयर्स भी पे मतलब ऐसे लोकल रस्क बेचने वाले यू नो लोकल ऐसे मारी बिस्कुट बेचने वाले बहुत कंपनीज भी आ जाते हैं ठीक है सो so क्या होता है ना पे हमेशा कंपटीशन तो तो एक तो बेक्टर का ब्रिटानिया तो है ही दूसरे साइड में आप देखोगे आई है वो है फिर बहुत ऐसे लोकल है राइट तो एज ए रिजल्ट ऑफ किसी को उतना कुछ खास प्राइसिंग पावर नहीं है तो खेल कहां बनता है यहां पर डिस्ट्रीब्यूशन का वॉल्यूम का ठीक है जो कि से फॉर एग्जाम्पल बेक्टर अच्छा खेल रहा है अब देखोगे ऐसा ही खेल वरुण बेवरेजेस ने खेला

फाइनेंशियल ईयर चालू होगा मतलब आई गेस क्यू फोर के कॉन कॉल में ही ये लोग बता देंगे कि अगले किस रेट से वो अपने टच पॉइंट्स को बढ़ाएगा लेकिन आप एक एंगल से सोचिए दो 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 जगह से ठंडे दिमाग से सोचिए ब्रिटानिया का टच पॉइंट्स कितना है 27 लाख प्लस ठीक है है का कितना है? ये डबल होने के बाद भी सिर्फ तीन लाख है करेक्ट तो बेक्टर यहां से और 9x हो सकता है इन टर्म्स ऑफ टच पॉइंट्स तब जाके ब्रिटानिया बनेगा और मुझे लगता है कि जो लाख तक पहुंच गया है वो सत्ताईस लाख तक भी जा सकता है और अगर ये सब बिस्किट वगैरह चीजें हैं वो सब मारी और जिम जैम और ये सब कुकीज टाइप का बिस्किट है ठीक है मतलब सभी खा पी लेते हैं अगर आपके घर के सामने मिलता है तो लोग खा लेते हैं राइट तो ऐसा नहीं है कि दूसरे कंट्री के एक

ठीक है यही वाला पॉइंट है अब देखते हैं अब उनका कुछ और कॉन कॉल का कुछ बात कर लेते हैं कि हाँ अभी जैसे चल रहा है कि आप देखे होंगे सारे क्यूएसआर कंपनीज में बहुत स्लो डाउन हो रहा है कोई भी क्यूएसआर कंपनी में कोई ग्रोथ ही नहीं है वेस्ट लाइफ डोमिनोज अब कुछ भी देख लो बर्गर किंग देख लो कोई भी कंपनी का कोई ग्रोथ नहीं है तो बेक्टर सिंस इनको बंस प्रोवाइड करते हैं तो बेक्टर ने भी इनको इनको एक्नोलेज किया डिसाइड के लिए कि यस क्यूएसआर में उतना ग्रोथ आ नहीं रहा है और दूसरे साइड में अगर आप देखोगे कि अभी इंडिया में जैसे ब्रिटानिया ने भी बताया थोड़ा बहुत प्राइवेट कंजम्पन में प्रॉब्लम हो रहा है मतलब अगर

से थोड़ा इफेक्ट हुआ है लेकिन कोई भी स्टॉक के लिए ना क्या होता है अगर उसका पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ घट जाता है ना तो एक हाई पी में अगर कोई स्टॉक चला जाता है बिकॉज पहले वो हाई पेस से ग्रो कर रहा था और जब वो स्टॉक हाई पी में है फिर उसका अगला कोई रिजल्ट आता है जब उसका पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ घट जाता है तो वो स्टॉक अटक सकता है ठीक है तो ये बात आप एक बार देख लेना बट हैविंग सेड दैट मैं कोई स्टॉक का रिकमेंडेशन दे नहीं रहा हूँ ना मैं कोई वैल्यूएशन का बात कर रहा हूँ बिकॉज आप लोग बोलते रहते हो ना वैल्यूएशन का बात करो एन ऑल लेकिन मुझे लगता है वैल्यूएशन का अगर बात करूँ तो यू वुड यू नो कम्स टू दो थिंग्स इज रिकमेंडेशन कि मैं लेने बोल रहा हूँ या नहीं लेने बोल रहा हूँ जो मुझे नहीं करना है मेरा काम है कि सारे कॉन कॉल्स का सारे इनसाइट्स लेके पीपीटी पढ़ के सब कुछ का इनसाइट लेके आपके सामने देना तो यही वाला पॉइंट तक रखते हैं बेक्टर की बाकी तो सब ठीक है बेक्टर की कोई कोई इशू नहीं है सिर्फ जैसे मैंने बोला वो पेस ऑफ़ सेल्स ग्रोथ थोड़ा घट गया है बट अगेन हैट दैट इवन सेवेंटीन परसेंट का ग्रोथ अगर वाईओ वाई देखोगे तो पूरे एफ एम सी जी सेक्टर में बहुत ऐसी कमी कंपनीज है जो सत्रह अठारह बीस परसेंट का ग्रोथ दे सकता है है ना तो ऐसे तो भी आप देख सकते हो और एक पॉइंट यहाँ पे है कि लई बिक्टर अभी क्या कर रहे हैं ये जो यूएस का जो रिटेल जॉइंट है लाइक वॉलमार्ट एंड ऑल दैट ये उनके साथ भी बातें कर रहा है ये उनके साथ भी बातें कर रहे हैं इन द यू तो ये वाला भी पॉइंट है अब पता नहीं ये वॉलमार्ट के साथ क्या हुआ कोई डील हुआ कि नहीं तो वो तो हमें अगले क्वार्टर्स में ही पता चलेगा सो so, यही तक है तो बेक्टर हो गई ब्रिटानिया हो गया एक ब्रिटानिया का कोई सेल्स का ग्रोथ है नहीं बिकॉज इतना, इतना इतना बड़ा साइज हो गया बेक्टर का अभी भी अच्छा सेल्स ग्रोथ हुआ बिकॉज हैविंग सेट दैट बिकॉज बिकॉज मैने